विश्व प्रसिद्ध सारवनी मेला के अवसर पर सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जा रहे कच्ची कांवड़िया पथ पर अलग अलग संस्थानों के द्वारा रोजाना शिविर लगाकर शिव भक्तों का सेवा सत्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए आर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान तरारपुर अनुमंडल क्षेत्र के मिल्की गांव के समीप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों के बीच निःशुल्क ठंडा शरबत फल पानी का वितरण किया। इस अवसर पर चिराग पासवान ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग महादेव के आशीर्वाद से कांवड़िया पथ पर पुनः बोलबम निःशुल्क सेवा शिविर आयोजित कर रहे हैं। 2 साल पहले की ही तरह पुनः भक्तिभाव के साथ महादेव के भक्तों की सेवा करेंगे। इसके बाद वे बड़ियारपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर पंचायत के काजीचक गांव में बीते 10 दिन पूर्व एक साथ पति पत्नी की आकस्मिक मौत होने पर उनके पुत्र रंजीत पासवान सहित परिवार के सभी परिजनों को संतावना देते हुए वृद्ध पति पत्नी के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक जताया। सौभाग्य की बात है कि सालों से जो परंपरा चलते आ रही थी, जो महामारी की वजह से पिछले 2 साल से उस परंपरा में रोक लग गई थी, उसने 2 साल से जो शिविर हम लोग हर साल लगाते आ रहे हैं, वो शिविर हम लोग पिछले 2 सालों से हम लोग नहीं लगा पा रहे थे। कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी था, अफसोस भी था और इस बात की चिंता भी थी कि इस महामारी ने जो एक विकराल रूप ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो एक विकराल स्वरूप कोरोना महामारी ने धारण किया हुआ था, इस बात की चिंता थी कि पता नहीं आने वाला समय कभी सामान्य हो पाएगा कि नहीं। और ये महादेव का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है कि आज 2 साल के बाद पुनः उसी तरीके से हम लोग बोलबम सेवा शिविर जिस तरीके से हम लोग हर साल लगाते आए हैं, इस साल भी उसी तरीके से ये शिविर लगा है, उसी तरीके से ये यात्रा चल रही है और उसी भक्ति भाव के साथ महादेव की पूजा महादेव की आराधना में उनके तमाम भक्त लगे हैं, जैसे कि 2 साल पहले इस महामारी से पहले किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय इस महामारी में कई लोगों को कई तरीके की यातना प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। कई लोगों को हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो रोज खाते हैं रोज कमाते हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना पिछले साल 2 साल में करना पड़ा। मेरे नेता का निधन भी इसी दौरान हुआ। मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने रहते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया। आज उनके जाने के 1.5 साल के बाद भी उन्हीं की बनाई हुई योजना है जिसके तहत देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुफ्त में खाने पीने का प्रबंध किया गया है। ये उन्हीं की सोच थी, ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन थी कि आज भी उस योजना को प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश भर में। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।